शादी एक ऐसी चीज होती है जो उम्र पूरी होने के बाद हर लड़कों की उस दिन का इंतजार होता है। शादी करने की उमंग अलग ही होता है। जब दूल्हे सज धज लेते हैं तो बारात निकलती है, किसी की हाथी से तो किसी के घोड़े से, और कोई कार पर सवार होकर दूल्हा बनकर जाता है। लेकिन एक ऐसा दूल्हा दिखे जिनके सपने टूट गए, घर से सज धज कर नाव पर सवार होकर उन्हें बारात निकालना पड़ा। यहाँ तक कि बारातियों को भी बारी बारी से नाव पर सवार होकर ऊंचे स्थान पर जाना पड़ा, जहाँ से वाहन पर सवार होकर उनकी बारात निकली। ये तस्वीरें गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र के निमुया पंचायत के भुगुन रावत टोला गांव की है, क्योंकि गंडक नदी में आई बाढ़ के पानी से निमुया पंचायत पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है। नतीजतन इस गांव में विकास यादव सलधज कर दूल्हा बने, जिन्हें 2 किलोमीटर दूर तक नाव से सवार होना पड़ा और उनकी बारात नाव से ही निकालने पड़ी। कैमरा देखते ही शर्मा गए और अपने चेहरे को तेजी से छुपाकर भागने लगे। विकास यादव का शादी हो रहा है, हम मलाही जा रहा है बारात। तो अभी पानी में आप लोग नाव पर आ रहे हैं? ये अचानक बाढ़ आ गया, चारों ओर से पानी घेर लिया है, तो हम लोग नाव से पार होकर के गौसिया आए हैं और गौसिया से सवारी से जा रहे हैं मंगलपुर। अच्छा, एक चीज बताइए, ना हाथी ना घोड़ा और ना गाड़ी, इस परिस्थिति में दूल्हा को आप लोग नाव पर ले आ रहे हैं, क्या क्या महसूस कर रहे हैं? अब जब महसूस तो हम लोगों का हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बाढ़ अचानक आ गया तो हम लोग क्या करें, यही साधने है, नाव छोड़कर दूसरा कोई साधने नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे। मलाही में किनके यहाँ बरात जा रहे हैं? सत्येंद्र यादव की हैं। तो विदाई होगा, कल लौटिएगा आप लोग, तो फिर नाव से ही दुल्हन को ले जाएंगे? हाँ, फिर नाव से ले जाएंगे, क्या करेंगे हम, तो कोई साधन नहीं है तो नावे में है साधन, तो इसी से ले जाएंगे। बहरहाल सरपंच ने कहा कि दूल्हा विकास यादव की शादी है, इनकी बारात लेकर पूर्वी चंपारण की मलाही गांव जा रहे हैं। मलाही गांव के सत्येंद्र यादव की पुत्री के साथ इनकी शादी होगी। अचानक बाढ़ के पानी बढ़ जाने के कारण भिरगुन राउत टोला के गौसिया तक नाव की सवारी करनी पड़ी, क्योंकि नाव छोड़कर दूसरा कोई आने जाने का साधन ही नहीं था। लेकिन शादी है, शादी तो करनी ही है। उनकी शादी पूर्वी चंपारण के मलाही गांव के सत्येंद्र यादव की पुत्री से होनी थी, जहां बारात लेकर गए। शायद दूल्हा विकास यादव को ये भी अंदाज़ा नहीं होगा कि बारात लेकर शादी रचने के जिस समय जाएंगे बाढ़ से घिर जाएंगे। उनकी बनने वाली दुल्हनिया सोनी को भी कल विदाई के बाद घर पहुंचाने के लिए दूल्हा के साथ नाव पर ही सवार होकर आना पड़ेगा। दरअसल गोपालगंज में बाढ़ की वजह से 22 गांव प्रभावित हो गए हैं। इस वजह से शादी के लिए दूल्हा और बारातियों को नाव से ही जाना पड़ा। खैर, शादी थी, शादी तो होनी ही थी। अब अगर आप खबर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। हर रोग का एक ही इलाज, मेडिकेयर है आपका समाधान। नवजात बच्चे, शुगर, पेट, छाती, हृदय, मुंह और दांत के अगर रोग से हैं परेशान तो आइए मेडिकेयर आपको देगा समाधान। मेडिकेयर में स्पेशल NICU, ICU और दवा सहित अन्य सभी सुविधाएं से है लैस। हाईवे रोड में सबनम होटल के पास बिप्रयासी स्कूल के सामने है यह मेडिकेयर अस्पताल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।